वाइजर गिर गया था क्या तेरा? हाँ यार ये वाइजर गिर गया था नीचे रोड पे, यहाँ से भी खुल गया। अब इसको यहाँ से मैंने ऊपर का रखा था ऐसे, हाँ ये खुला। अरे इसको निकाल के बैग में रख दे। हाँ ये लगी है ये वाली है गंदी। तो बाकी गाइस अपने ना फ्रेंड सर्कल में भाई कुछ बंदे ऐसे हैं कि भाई जो मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है भाई, दिल से प्यार करते हैं भाई। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नॉडी नेगी। गाइस आज की व्लॉग भी रोज की तरह अपने रूम से स्टार्ट हो रही है एकदम नेक्स्ट लेवल वाले अंदाज में। तो गाइस अभी ना आपको जैसे कि पता गाइस हम अपनी बाइक को लेकर ना हरिद्वार के KTM शोरूम में जा रहे गाइस। कल मेरी KTM शोरूम में हरिद्वार वाले सर से बात हुई थी। तो गाइस कल को थर्सडे था, मे बी थर्सडे में KTM शोरूम ऑलमोस्ट सारी जगह क्लोज रहते हैं। तो गाइस आज खुला है, तो आज उन्होंने मुझे बुला रखा। और गाइस अपना हाथ वगैरह भी थोड़ा ठीक है, मतलब मैं गाड़ी चलाने की हालत में हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है गाइस हमारे साथ भंडारी भाई आने वाले थे, मेरी गाड़ी वही चलाते, बट गाइस वो भी आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इस वजह से वो आ नहीं पा रहे। तो गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी। और गाइस मैं थोड़ा चला सकता हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट वही गाइस हाथ में झटका वगैरह पड़ेगा थोड़ा, तो उस चीज़ का थोड़ा पेन होगा मुझे। बट गाइस कोई बात नहीं, अपना आराम आराम से देख लेंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात ये हो गई गाइस कि थोड़ा आपको पता है कांवड़ का सीन चल रहा है, कांवड़ यात्रा का, तो थोड़ा हरिद्वार वगैरह में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है भाई, बहुत रश हो रखा है भाई। कल को मेरे साथ के एक भाई गए थे ना भाई, वो सुबह के 9:30 बजे के निकल रहे, 4 बजे तक हरिद्वार में फंस गए। तो मैं वही सोच रहा है यार मेरा क्या सीन होगा, जाऊँगा भयंकर, कब तो मैं वहाँ पहुँचूँगा पहले हरिद्वार क्रॉस, पता नहीं बहुत ज़्यादा वो हो रखा है सीन। और गाइस हमारी ना बाइक में जो स्टॉक था उसकी जो क्लैंप होती है ना वो भी हमने अभी ठीक से इंस्टॉल नहीं की है, क्योंकि भंडारी भाई के समझ में नहीं आया और मेरे भी समझ में नहीं आया। तो जिन्होंने गणेश भाई ने जिन्होंने मेरी बाइक में SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया था गाइस, उन्हीं के पास लेके जा रहा हूँ दुकान में। तो गाइस लेट हो गया है क्योंकि मुझे सुबह यहाँ से 6 बजे निकलना था, बट गाइस पूरा लेट हो गया है। और अभी क्योंकि सुबह वही हो जाता है गाइस, मेरा उठो मंदिर वगैरह जाऊँगा आधा एक घंटा ऐसे पता नहीं चलता है मुझे, ठीक है। तो उसके बाद घर आओ भाई, हाथ मुँह वगैरह धो, तो ऐसे हो जाता है आजकल। तो घर का काम भी क्या करना भाई, हाथ टूटा फूटा है मेरा। और गाइस अभी मैंने गद्दी में भी ध्यान नहीं दिया था, मेरी एक बाइक की गद्दी वगैरह भी जारी की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके। तो गाइस फटाफट से ना गणेश भाई के पास चलते हैं, अपनी क्लैंप वगैरह इंस्टॉल कराते हैं और गाइस फटाफट से ना यहाँ से निकलते बनते। बाकी बातें ना गाइस सारी मोटो ब्लॉग में करते, क्या सीन है क्या नहीं है, कितना टाइम लगने वाला है हमारी बाइक को। गाइस मैं तो वही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मैं शोरूम में अपनी बाइक दूंगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा गाइस, मेरे को नहीं पता। मैं तो मोटा छोटा 15 दिन मान के चल रहा हूँ, अगर 15 दिन से ज़्यादा लगता है तो गाइस दिमाग खराब होने वाला है भाई, बहुत गंदा वाला। तो गाइस फटाफट से ना अपने हेलमेट में ना इसमें फटाफट से GoPro वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा माउंट देख रहे हो गाइस, ये भी थोड़ा जुगाड़ कर रखा है, इसको भी इसकी भी पता नहीं रस्सियाँ कब टूट जाए कुछ पता नहीं। तो गाइस फटाफट से ना यहाँ से निकलते बनते भाई, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, फटाफट से नाश्ता वगैरह पीलता हूँ मैं, फिर यहाँ से निकलते गाइस। सारी बातें ना मोटो ब्लॉग में करते गाइस मस्त मार के, और आपको आज स्टॉक साउंड सुनाऊंगा मैं। और गाइस जो मेरे बाकी के जो रिएक्शन वाले व्लॉग थे जो मैंने सोच रखे थे अपने काफ़ी सारे कॉन्टेंट की, ऐसा बनाएंगे एग्जॉस्ट में ऐसा बनाएंगे भाई, सब अधूरा रह गया। बट गाइस कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी बन जाए और गाइस बहुत खतरनाक वाला कमबैक करेंगे भाई, जैसे अपनी गाड़ी पूरी प्रॉपर फिनिश मतलब पूरी जब हम रिसीव करने जाएंगे ना तो गाइस खतरनाक ही करेंगे। तो बाकी ना गाइस फटाफट से यहाँ से चलते बनते क्योंकि लेट हो गया, मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आपको ना मोटो ब्लॉग में मिलता हूँ गाइस डायरेक्ट। ये सत्यम कहाँ रह गया यार, देख रहे हो गाइस पीछे क्या खतरनाक वाली बारिश हुई है भाई, किसकी कॉल है यार ये? हेलो, अबे यार कहे से सत्यम कहाँ रह गया यार। गाइस पता है पीछे इतनी गंदी बारिश हो रही है ना, अंदर चोट पे पन्नी लगा रखी है, देन उसके बाद उसने राइडिंग जैकेट दी मुझे अपनी। अबे यार ये काम मर गए, देख रहे हो गाइस गाड़ी, देख रहे हो आप छठे गियर पे भाई आगे, इस पे ना पैर मार मार के मैंने इसको छठे गियर पे, क्या पता उसके बाद डाउन नहीं हो रहा। ये पन्नी रखा है मैंने GoPro के लिए, GoPro के पीछे बहुत गंदी बारिश हो रही थी। आ गया आ गया, ओहो अबे कहाँ रह गया, निकल गया था पूरा, गिर गया था क्या वाइजर, गिर गया था वाइजर, गिर गया था क्या? सुनाया थोड़ी देर होगा, गाने सुन रहा साला। वाइजर गिर गया था क्या तेरा? हाँ यार ये वाइजर गिर गया नीचे रोड पे, यहाँ से भी खुल गया। अब इसको यहाँ से मैंने ऊपर का रखा था ऐसे, हाँ ये खुला यहाँ से भी। अरे इसको निकाल के बैग में रख दे, निकाल दे साले को, फालतू का क्या फ़ायदा, भैंस के ना चोट चाट लग जाएगी किसी के। हल्का गंदा हल्का, फ़ोन पकड़ा। अबे तो भाई इसका वाइज़र भी टूट गया, इसका वाइज़र भी बनवाना है हरिद्वार में, जो अंदर की क्लैंप होती है ना वो पेस, तो वो नहीं लेनी है। ओ भाई मेरा तो हाथ भी काम नहीं कर रहा बाबू, ला फोन दे। भाई अपने पन्नी का जुगाड़ किया यार, गाइस पता बड़ी मुश्किल से वहाँ पे।
बहुत तेज बारिश पड़ रही है यहाँ पे, कुछ नहीं है पीछे, बहुत तेज है पीछे, बहुत तेज हो रही है। दिखा मैं दिख रहा हूँ, अरे इसकी भैंस की हो गया। चल साफ दिख रहा है। चलो गाइस यहाँ से चलते हैं फटाफट, पूरी पैंट गीली हो गई, पूरी शर्ट गीली हो गई। गाने बजाएंगे भाई, बिना गाने के ना गाइस मेरे को कमेंट्स करना भाई कौन कौन राइड में जब, हाँ ये टूट गया भाई, क्या क्या नहीं टूटा हुआ, देख ये टूटा हुआ है, ये चेंज होगा पूरा, अरे स्टैंड भी चेंज होगा, ये गियर लीवर होगा, ये टैंक कॉल, वो टैंक कॉल है, महंगी हाईबूसा। और गाइस ये वाला इंडिकेटर भी गया, ये भी गया, अरे मरगाड भी जा रखा है यहाँ, देख मरगाड तो बहुत लेट में देखा मैंने, वो देख ऊपर चले गए पूरा चलते चलते, मोटा खर्चा। अरे इधर साइड का, इधर देखिए ये अलग ग्रेव रिल, आधे से ज़्यादा तेरे को पता, ये वाला पार्ट तो मैंने देखा भी नहीं है, तो मैंने अभी देखा सुबह, कम से कम 15-16 पार्ट है पूरे। हाथ ये लगी है, ये वाली है गंदी। चलो गाइस अभी चलते बनते यार फटाफट से, चल सत्यम गाड़ी निकाल, हाँ चल चल चल। तो गाइस चलते हैं फटाफट यार, आहा। तो गाइस मुझे कमेंट्स करके बताना कौन कौन राजेश खन्ना के भाई पुराने पुराने सॉन्ग सुनता है, आहा मजा आ गई। मेरी ना गाइस ये वाली फॉग लाइट भी टेढ़ी हो रही है, इसको भी करा देंगे हम। चलो गाइस कोल्ड स्टार्ट हो गई, देखो छठे गियर में उठा रहा हूँ गाइस, देख लो ये उठ गए भाई छठे गियर पे अपनी गाड़ी, स्लोली स्लोली आगे जोर डालते हुए जैसी हमारी गाड़ी 50 में जाएगी। और इसकी भैंस की, इसे क्या हो रहा। चलो गाइस चलते आगे, सीन बताते भाई कितना क्राउड है, बाइक में इतना मोटा खर्चा है ना भाई, क्या बोलूँ यार, मतलब दिल ही टूट गया भाई। माना गाड़ी क्लेम हो रही, कुछ भी हो रही भाई, बट लेकिन ना भाई जब गाड़ी क्रैश हुई ना, मैंने तो गद्दी भी नहीं देखी भाई, गद्दी तो मैंने अब देखी भैंस के ना, वो बैठ बैठ के थोड़ा सा और चिर गया, मतलब फट गया थोड़ा सा भाई, पूरी गद्दी चले गई, ये चले गया, पाइप चले गया, इसका इंडिकेटर चले गए, दोनों टैंक ऑल चले गए, आगे का मरगार्ड चले गया भाई, क्रैश गार्ड चले गया, जो एडिशनल जो मैंने स्टॉक जो बाहर से मैंने मार्केट अदर खुल रखा है ना, गोप्रो खुला है, चल चल। तो गाइस मुझे सत्यम ने ज्वाइन कर दिया था, मैंने भाई को कॉल करके बुलाया कि मेरे साथ चल ले, बिकॉज गाइस वहाँ से ना पता नहीं गाइस वहाँ से मैक्स मिलेगी फिर मैं फंस जाऊँगा वहाँ बहुत गंदा वाला, तो मैंने कहा चलिए अपनी गाड़ी में है तो मेरे को कोड़दार छोड़ देगा ना, तो ये सीन है। तो बाकी गाइस अपने ना फ्रेंड सर्कल में भाई कुछ बंदे ऐसे हैं कि भाई जो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भाई, दिल से प्यार करते हैं भाई, मतलब एक कॉल करो तो बंदे पहुँच जाते हैं, जैसे अपने भंडारी भाई थे, जब तक मेरी गाड़ी डैमेज हो रही थी चलने लायक तो गाइस थी नहीं, चलने लायक तो अभी भी नहीं है गाइस, मैं तो इसको चला रहा हूँ बहुत रिस्क में चला रहा हूँ, आप ये लगा लो हैंडल टेढ़ा है, गियर लीवर का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, गियर हेलो ब्रो गियर लीवर का कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, पर लेकिन वही है। ए बे इसकी भैंस की यार, क्या कर रहा है यार, माँ कसम UK04 हद हो गई यार। वैसे मैं छठे गियर पर कर रहा था गाइस, पता बैंक का 50 के बाद भी अगर इसको कलर छोड़ रहा हूँ तब भी गाड़ी खत कर रही है, डाउन ही नहीं हो रहा हो गियर। तो गाइस अभी देखते हैं आगे, मेरे को तो लग रहा है आगे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा भाई, गंदा ही वाला होगा, बट कोई बात नहीं गाइस, उसको ना फटाफट से करते क्रॉस, देन उसके बाद गाइस KTM शोरूम चलते हैं। और भाई इसका ना देख रहे हो गाइस डिबली की वो निकाल रखा है, इसका जो स्टॉक वाला साइलेंसर है ना वो निकाल रखा है मतलब साउंड के लिए, तो वही सुन रहे हैं, ओ वे तेरी अभी गाइस मैं भगा नहीं सकता गाड़ी, आप समझ सकते हो मेरी हालत अभी इस टाइम बहुत गंदी है, अभी थोड़ा मेरी गाड़ी ओके हो जाए गाइस, उसके बाद ना SC का जो एग्जॉस्ट है उसके लिए ना, मैंने आपको बोला था जब मैं टायर लगा रहा था उसके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ सोच रही थी मैंने, गाइस आप देखोगे ना आप खुद मतलब भाई पागल हो जाओगे, आप बोलोगे भाई क्या चीज़ है, अरे मेरी गाड़ी बंद क्यों हो गई गाइस, मैं तो अभी लिफ्ट भी नहीं दे सकता, मैं अपनी गाड़ी नहीं संभाल पा रहा हूँ यार, उस बंदे को क्या संभालूंगा, पीछे एक भाई ने लिफ्ट मांगी थी मैं नहीं दे पाया यार भाई, देख रहे हो गाइस क्राउड देख रहे हो इधर ही भाई, चलने के लिए भी रास्ता नहीं है यार, बट कोई चक्कर नहीं गाइस, अब अपना आराम आराम से चल लेंगे भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो गाइस चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको भाई कितना क्राउड है, होप की क्राउड ना हो तो हम डायरेक्ट आपको KTM शोरूम में मिले गाइस, वहाँ पे ना पीछे भाई इतनी बार गाड़ी बंद हो गई ना यार, चंडी पुल पे क्या बोलूंगा यार, एक तो हाथ भी दर्द हो रहा, सेल्फ भी नहीं लग रहा, ये तो छठे गियर में ना गाड़ी उठी नहीं रही, पता बंद हो जा रहा, पर गड्ढे शड्ढे थे बहुत ज़्यादा,
भाई ऐसी घबराहट हो जाती है ना उस टाइम पर कि यार भाई पीछे ट्रैफिक है और बीच में गाड़ी बंद हो रही है। चलो गॉड थोड़ा सा रास्ता ठीक है भाई, पीछे ही था बस वहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक। ओ भाई एक बार हाथ इतना चटक मार रहा है ना मेरा, इतना दर्द हो रहा है ना ले भाई आगे फिर क्राउड हो गया। ओ भाई क्या चटका मार रहा है ये, एक मेरा हाथ अलग दर्द हो रहा है यार, कहाँ से डालू गाइस, गाड़ी किधर से डालू भाई, छठे गियर में उठा रहा हूँ बताओ आज गाड़ी भाई। चलो भाई बस गाड़ी रुके ना भाई, ऐसे चलते रहे, गाड़ी बंद ना हो, गॉड गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए यार, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए बस, फिर कोई चक्कर नहीं, गाड़ी बंद ना हो, गाड़ी बंद ना हो भाई, क्योंकि साला क्लच भी टूटा हुआ है, क्लच भी आधा हो रखा है, हिसाब ही नहीं बैठ रहा भयंकर। ये सत्यम कहाँ गया यार, ये गायब हो गया भाई, यार हाथ कितना दर्द हो रहा है यार, मम्मी भाई साहब। चल भाई मेरे को जाने दे, चलो गाइस ये पुल क्रॉस हो जाए ना उसके बाद, उधर साइड तो खाली है बस भाई, आला पुल क्रॉस, बे 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 देख रहे हो गाइस कैसे झटके मार रही है भयंकर छठे गियर में, उठ ही नहीं रही गाड़ी, बहुत रिस्क में उठा के ला रहा हूँ भाई, इंजन में भी पता नहीं इंपैक्ट पड़ रहा होगा भाई, ज़रूर पड़ रहा होगा, बट कोई नहीं गाइस, कभी कभार है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फेस करनी पड़ती है ब्रो, फेस करनी पड़ती है भाई, थोड़ी बहुत कोई चक्कर नहीं है, बाकी भाई अच्छा है सब कुछ। गाइस फाइनली पहुंच चुके भाई KTM शोरूम, सत्यम कहाँ गया, ले भाई गाड़ी बंद हो गई तेरी। वहां पे लगा दे, ओ भाई गाड़ी की हालत चेक कर, यहाँ लगा दे, इधर लगा दे, यहाँ पे गाइस गाड़ी की हालत चेक कर रहे हो आप भाई, गाड़ी की हालत चेक करो भाई, पूरी बैंड बज गई, मैंने इसमें पता हवा भी नहीं कम कराई बिकॉज क्योंकि हम लोग को पता था मैंने हल्के ही चलाना है, और मैं आपको गाइस एक बार लास्ट बार दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या, एक ये चली गया ठीक है, और एक ये वाला क्रैश गार्ड जा रखा है, ये क्रोन जा रखा है, अपना गे लीवर जा रखा है ठीक है, दोनों टैंक ऑल हो गए इधर उधर, देख रहे हो कितना भयंकर, ये दोनों इंडिकेटर, और ये एक साइड की कटोरी है, एक साइड की कटोरी है, पूरा पाइप एंड क्लच, और भाई आगे की मरगाट की हालत चेक करो, देख रो चलते चलते कहाँ घुस गया भयंकर। सब जा रहा है, तो सर से बात करते हैं भाई, क्या क्या सीन है भाई अब गाड़ी का। गाइस अपनी बाइक को अलविदा, वो चेक कर लो भाई बाइक, तो भाई बाइक छोड़ दिए भाई, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है गाइस अभी अपनी बाइक में भाई, अभी ना भाई इंश्योरेंस क्लेम में कॉल करके भाई उधर पूरा प्रोसेस करके फ्री होके ना पूरा भाई अब निकले यहाँ पर से, पता नहीं टाइम कितना हो रहा होगा गाइस अभी, मुझे भी नहीं पता, मे भी ये देख रहा हूँ 135 हो गए भाई टाइम, तो बस गाइस अब सीधा निकलते बनते भाई इधर से, फाइल चार्ज मैंने पेड कर दिया गाइस 500, बाकी वो बोल रहे थे जो घिसा पिटा होता है उसमें सीन ये होता है कि आपको 10% या 20% आपको पेड करना पड़ता है, बट कोई चक्कर नहीं है वो देख लेंगे भाई, उसकी मैंने फोटो खींची तो 15,000 रुपये पूरा खर्चा था गाइस गाड़ी में, मैं आपको पूरा जब गाड़ी बन जाएगी तो बोल रहे हैं कि 15 से 20 दिन मेरी गाड़ी इधर रहेगी। तो गाइस यहाँ से निकलते भाई, खाया पिया भी कुछ ही नहीं है ये भाई, अपनी 390 अब मैं इसमें ही जाऊँगा घर, आधे रास्ते में मैं चलाऊँगा गाड़ी ठीक है, आधे रास्ते में मैं चलाऊँगा आगे, चल निकाल गाड़ी वहाँ निकाल। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से फटाफट, और कांवड़ का भी काफ़ी क्राउड है भाई। गाइस अभी ना हमारे आगे जा रही भाई, अभी हम घर के लिए रवाना हो गए, और पता हमारे आगे भाई RX 100 भाई, साउंड इतनी कते आ रही उससे, ऐसी पेल रखी ना भाई गाड़ी भयंकर, क्या बोलना आवाज़ सुनना तुम अभी, मैं तो उसका भी कर दूँ पीछे यार, मगर मैं कर नहीं रहा, भगा नहीं रहा ना इतनी गाड़ी, अबे कहाँ निकल गया वो उधर, अबे वो अपनी मजे में पेल रहा भाई, ये तो नहीं आ रहा 100 भैया पेलो, मैंने भैया को बोला भगाओ भगाओ। गाइस आवाज सुन रहे हो तुम, RX 100 की भैंस की नाक अपने 10 की G1000
सा हाइपर करते हैं व्लॉग एंड करते करते। अभी देखो तुम गाइस ये चेक करो भैंस की टांग, चौके में 100। ओ भाई मेरा हेलमेट टूट गया, बहुत तेरी है। भागने के लिए तो खतरनाक है बेटे, है सत्यम ऐसी होता है त्रिनंदी का यही सीन है भाई। देख कितनी पहली, सिर्फ थोड़ी सी तो पहली वहाँ पर ऐसी होता है भाई, 390 का मेरे साथ भी ऐसी होता है। अभी 70 की रेंज दे रहा था, अभी 40 में आ गया भाई, लो फ्यूल हो भाई। भाई ये गाड़ी भगाने के लिए है भाई, देखो शौक पाले बड़े बड़े तो भाई तेल के कुएं तो खोदने पड़ेंगे भाई, जैसी बात है भाई। बस गाइस बारिश ना हो यार, देखो मेरा हाथ खुला छोड़ रखा है, वो बस थोड़ा आपके लिए भगाती हल्की सी, ज़्यादा नहीं। अब ऐसा है कि अपना स्लो स्लो घर निकलेंगे भाई, कोई चक्कर नहीं है ऐसा भगाने भगाने वाला। बस गाइस जल्दी से कम बैक करेंगे खतरनाक वाला, बस अपनी बाइक बन जाए जल्दी।